সুইজারল্যান্ডে জাতিসংঘের জেনেভা কার্যালয়ে চলছে মানবাধিকার বিষয়ক শুনানি ইউপিআর বা সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা, আর এতে চতুর্থবারের মতো অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी आए रोज़ अमेरिका की जानिब से बांग्लादेश के हवाले से कोई ना कोई अपडेट जो है सामने आ रही होती है। अमेरिका जो है यहाँ पे बांग्लादेश को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, और उनका कहना है कि जो भी लोग जिनको उठाया जाता है, जिनको सबडक्ट किया जाता है, जिनको गायब किया जाता है, उनको कहाँ गायब किया जाता है, हमें पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहिए। ये गवर्नमेंट जो चीज़ें करवा रही है और जिस तरह लोगों को छुपाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, इसको लेके हम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं वो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, और इस चीज़ को जो है ना हम ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो एक नई यूएन में जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, और बांग्लादेश के हवाले से जो कंसर्न्स हैं यूएस के, वो काफ़ी ज़्यादा जो है सामने आ रहे हैं। अब इन कंसर्न्स के बाद बांग्लादेश को किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, वेल अभी पहले मैं आप लोगों से ये रिपोर्ट शेयर करूँगी, इसके बाद मैं मज़ीद अहम पॉइंट्स आप लोगों को बताऊँगी। तो वीडियो आप लोगों ने मेरे साथ आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। বাংলাদেশে গুমের মতো ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ। এসব ঘটনা কোথায় ঘটানো হয়, ভুক্তভোগীদের যেসব স্থানে আটক রাখা হয় তার তালিকা প্রকাশে সরকারকে সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। এদিকে আজ জেনেভায় নিজে অবস্থান তুলে ধরবে বাংলাদেশ। মোরশেদ হাসিবের রিপোর্ট। নগদ পেমেন্টে কেনাকাটায় জিতুন আইফোন 15 সাথে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। সুইজারল্যান্ডে জাতিসংঘের জেনেভা কার্যালয়ে চলছে মানবাধিকার বিষয়ক শুনানি ইউপিআর বা সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা, আর এতে চতুর্থবারের মতো অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ইস্যুতে জাতিসংঘের প্রতিবেদন বলছে বিচার বহির্ভূত হত্যা, জোরপূর্বক গুম নিয়ে সংস্থাটির গভীর উদ্বেগ রয়েছে, আর তাই তুলে নিয়ে যেসব স্থানে ভুক্তভোগীদের গোপনে আটকে রাখা হয় তার তালিকা প্রকাশ করতে সরকারকে সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ। পরামর্শ দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের অতিরিক্ত বল প্রয়োগের ক্ষমতা কমিয়ে আনার। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত সরকারের মন্ত্রীরাও। এসব ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্ত চায় সংস্থাটি, সেই সঙ্গে নিরাপত্তা খাতের সংস্কারও করতে বলেছে জাতিসংঘ। 2018 সালের 14 মে সর্বশেষ ইউপিআরে 251টি সুপারিশের মধ্যে 178টি সুপারিশকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ। जी ये रिपोर्ट देखिए आप लोगों ने, यहाँ पे जी यूएस की जानिब से वंस अगेन ये चीज़ जो है उनको, उन्होंने कहा है कि यार हमें रिपोर्ट दें बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं। हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी रिपोर्ट्स लेना बनती है, लेकिन उन चीज़ों पे बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश में इंसानियत हकूक की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन साथ ही अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन को लेके एज सच यूएस की जानिब से कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया, कोई सीज़ फायर की बात नहीं हो रही, और फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए यूएस कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ नहीं कर रहा, बल्कि बाकायदा इसराइल को जो है सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इनके लिए जो मुद्दा बना हुआ है वो है जी बांग्लादेश, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि बांग्लादेश यूएस को सख्त जवाब देता है और यूएस की परवाह किए बगैर अपने चाइना से जो रिलेशंस हैं उनको बांग्लादेश ने कीप किया हुआ है, उनको बरकरार रखा हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका को बांग्लादेश और चाइना के ये रिलेशंस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और इसी वजह से कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश को जो रिस्ट्रिक्शंस हैं
उनकी थ्रेट्स दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर मजीद बांग्लादेश इस बिहेवियर को लेके चला तो हम बांग्लादेश को, बांग्लादेश के अहम अहम लोगों के जो वीज़ाज़ हैं वो लगने नहीं देंगे और उनको अमेरिका में उनकी एंट्री जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगी। तो इस तरह की जो थ्रेट्स हैं वो दी जा रही हैं और यूएस की जानिब से जो कंसर्न्स हैं वो शो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं, अपोजिशन के लोगों को जिस तरह उठाया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी के लोगों को जिस तरह छुपाया जा रहा है, उनको हाइड किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, सो मैं इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ। अब आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या एनालिसिस है इस चीज़ के हवाले से कि अपोजिशन पार्टी के जो रहनुमा हैं और जो भी सपोर्टर्स हैं वो कोई भी बात करते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोच है कि ऐसी चीज़ जो भी हो रही है अच्छी है या नहीं अच्छी, आप लोगों के अकॉर्डिंग ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, रखेंगे लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट भी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक करें, वीडियो को लास्ट भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर, लव यू।